स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश की तमाम खबरों पर। सिरोंज लटेरी रोड स्थित संस्कार गार्डन में स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा सिरोंज विधानसभा क्षेत्र का युवा सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में सिरोंज विधानसभा क्षेत्र के युवा कार्यकर्ताओं ने सम्मिलित होकर स्वामी जी के जीवन चरित्र के बारे में जाना। साथ ही बड़ी संख्या में सिरोंज विधानसभा क्षेत्र के युवा उपस्थित रहे। उसको लेकर के सारे संसार के माध्यम से जन की ये सारी चीजें कहेंगे, लेकिन जिस ढंग से उन्होंने वहां पर मेरे अमरीकी बहनों और भाइयों के शब्दों के माध्यम से जब ये बात कही, योगा जब तक ताकतवर नहीं होगा, उसमें जब तक जोश नहीं होगी, अपनी धर्म संस्कृति के प्रति उसके मन में ज्ञान नहीं होगा और अपने देश को बनाने के लिए ताकतवर और मजबूत बनाने के लिए। आज हमारे प्रेरणा स्रोत खास तौर पर युवाओं के स्वामी विवेकानंद जी की 158वीं जयंती के शुभ अवसर पर हमारे नेता, हमारे मार्गदर्शन और इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय यहां के लोकप्रिय विधायक उमाकांत शर्मा जी के नेतृत्व में आज युवा सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन के माध्यम से युवाओं को संदेश दिया कि स्वामी विवेकानंद जी के मार्गदर्शन पर चलें और देश को मजबूत करें। और सभी युवा जो किसान भी थे, वो जो मोदी जी किसान बिल लेके आए, उसके समर्थन में है। आज 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है, इसलिए युवाओं ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में भाजपा के 3 मंडल हैं, सिरोंज नगर, देवपुर और चितावर, यहाँ के कार्यकारिणी ने अपने जिलाध्यक्ष बलवीर सिंह जी रघुवंशी या अन्य वक्ताओं को बुलाकर स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाई। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र से किसान बंधु भी, युवा किसान आए थे, तो उन्होंने मोदी जी के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया है और कहा है कि किसान बिल के सम्मान में भारतीय जनता युवा मोर्चा के किसान मैदान में और युवा किसान मोदी जी द्वारा लाए गए तीनों किसान बिलों का समर्थन करते हैं, इस दृष्टि से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। बलवीर जी से और पूछ लो। हमारे न्यूज़ इंडिया फॉर चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और